तीन तलाक का मामला हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन लखीमपुर खीरी से तीन तलाक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आरोप है कि लखीमपुर खीरी के पसगावा में रहने वाले शाहीन को उसके पति ने मोटी कहकर तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के मुताबिक उसके पति ने उसे मोटी कहकर और खुद के लायक न समझने का आरोप लगाते हुए तीन तलाक दे दिया है। इस मामले में पीड़िता ने इसकी लिखित शिकायत पुलिस से की है। तीन तलाक पीड़िता ने बताया कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है, जिस वजह से वो उसे मोटी कहकर तलाक देने के फिराक में था। पीड़िता ने बताया कि उसकी 5 साल की बच्ची है, वो अपनी बच्ची को लेकर कहां जाए। वही जब वो अपनी बच्ची को लेकर ससुराल जाती है तो वहां ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना ही नहीं, युवती की माने तो तीन तलाक के बाद उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। मेरा पति कहता है कि तुम मोटी हो, मुझे अच्छी नहीं लगती हो, मुझे तो दुबली लड़की चाहिए, इसलिए तुम्हें हम तलाक दे रहे हैं, मगर हम ये तलाक नहीं मान रहे हैं। मेरा पति बरवर गांव का है, कस्बा बरवर। तो क्या अभी उसकी शिकायत आप पुलिस से करने आई हो? हाँ, हमने उसकी शिकायत में पुलिस से करने आई कि इसे ये तलाक को हम नहीं मानते हैं और कोई कार्रवाई कर ले जाए इसके खिलाफ। मेरे पति का नाम शोएब खान है, बरवर का है। तलाक उसने क्यों दिया है, क्या कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि तुम हमें अच्छी नहीं लगती हो, मोटी हो, मुझे पतली औरत चाहिए। हालांकि महिला की शिकायत के बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की बात कह रही है, साथ ही जल्द से जल्द कार्रवाई की बात भी कह रही है। एक महिला ने अपने पति की शिकायत की थी, जिसको महिला थाने भेजा गया है और उनका पति पत्नी का विवाद है, तो उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए थाना अध्यक्ष को बताया भी गया है और कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।